देखेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस में अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम के परिसर में देखो अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय, अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय। अनुक्रम का परिसर क्या होता है? अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय, अनुक्रम का परिसर कहलाता है। और इसमें लिखोगे या हम जो पहले मान लीजिए कोई सीक्वेंस दे दिया x इक्वल टू कितना माइनस वन टू दी पावर n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब ये माइनस वन टू दी पावर n है और n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर। तो ये बताओ जहाँ माइनस वन टू दी पावर n है ना, इसको क्या रखोगे? अगर n की वैल्यू वन रखें तो क्या आएगा? माइनस वन। टू रखोगे तो क्या आएगा? माइनस वन स्क्वायर प्लस वन ही होगा ना। थ्री रखोगे तो माइनस वन का क्यूब क्या होगा? माइनस वन। और फोर रखोगे तो क्या आएगा? किसी भी सीक्वेंस में कितनी टर्म होती है? अनुक्रम में कितने पद होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं अनुक्रम में पद? अनंत। अनुक्रम में कितने पद होते हैं? अनंत। याद हो जाने चाहिए ये सब छोटी मोटी बातें, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कराता हूँ आपको कि ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग में जाए। एक बार मैं बोल दूंगा हो सकता है तुम्हारे भेजे में ना जा पाए, समझ रहे हो ना। अब देखिए अनुक्रम में कितने पद हैं? अनंत है। अब अनुक्रम में अनंत पद होते हैं, तो मैंने आपको परिसर लिखाया कि इसके जो अलग अलग पद है ना, अलग अलग पद कौन कौन से हैं? दो ही तरह के जो पद है, एक और माइनस एक, एक और माइनस एक, एक और माइनस एक। तो क्या लिखोगे? रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या बनेगा? रेंज ऑफ सीक्वेंस कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस वन वन। समझे कि नहीं? कितनी रहे इसके जो रेंज है? माइनस वन वन। कितने पद है इसमें? दो। अब ये बताओ तो मुझे अनुक्रम का परिसर, मैंने कहा अनुक्रम का परिसर किसी का परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? परिमित या अपरिमित कुछ भी हो सकता है अनुक्रम का परिसर। ऐसा नहीं है कि कोई परिमित ही रहे, अनंत भी हो सकते हैं। ऐसा ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है। माइनस वन टू दी या ये लिख सकते हैं आप। देखो n into minus 1 to the power n हो जाता, अगर यहाँ minus 1 to the power n हो जाता तो देखना क्या लिखोगे? n की वैल्यू 1 रखोगे क्या आएगा? minus 1 और ये 1, तो minus 1 आया, 2 रखोगे तो क्या आएगा? plus आएगा और ये 2 बनेगा। 3 रखोगे तो क्या आएगा? minus का 3 आएगा। समझे कि नहीं? ऐसे तो सब अलग अलग आएंगे, कितने हो जाएंगे फिर इसमें परिसर में? अनंत हो जाएंगे ना। और नीचे वाले में क्या थे? परिमित थे, दो ही थे, माइनस वन वन। तो अनुक्रम का परिसर परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लिखोगे अचर अनुक्रम। कोई अनुक्रम अचर अनुक्रम कब होता है? सुन लो एक मिनट। कोई अनुक्रम एक्शन है ना, ये अचर अनुक्रम कब होगा? अगर मान लीजिए इसमें अनुक्रम की वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, कॉन्स्टेंट हो। अगर आप यहाँ देखना एक्शन इक्वल टू क्या है? सी है ना, ये n-वां पद क्या है? एक्शन का सी। अगर मैं ये कहूँ यहाँ एन की वैल्यू वन रखो तो भी सी आएगा, एक्स टू करोगे एन की वैल्यू दो रखोगे तब भी सी आएगा। समझे कि नहीं? तो कोई अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है यदि एक्स एन इक्वल टू सी। एक वास्तविक संख्या लिखो आप इसमें, अचर अनुक्रम में लिखो एक अनुक्रम एक्स एन। एक अनुक्रम एक्स एन जहां एक्स एन इक्वल टू सी, जहां एक्स एन इक्वल टू सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एक अचर अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम एक्स एन इक्वल टू सी सी और
एक अचर अनुक्रम है, अनुक्रम x n इक्वल टू दिस, जैसे मैं लिखूं, जैसे x n इक्वल टू करली ब्रैकेट में c c c सब के सब पद जैसे हैं c ही है। एक अचर अनुक्रम है अपन रियल एनालिसिस के, आप इस यानी मैं ये कहूं अगर आप सेकंड ईयर के इस पेपर रियल एनालिसिस में आपने अच्छे नंबर ले आए तो समझ लो कि आपके 120 पेपर हुआ ना टोटल, तो 120 में से आपके 100% ये कह सकते हैं कि 110 के करीब और 115 के करीब आ जाएंगे अगर इस पेपर पर अच्छी कमांड बना ली तो। पेपर में वही आएगा जो आपकी कॉपी में कराया जा रहा है, ये हम कह रहे हैं, बस समझ गए कि नहीं। पेपर में वही आएगा जो कराया जा रहा है, लेकिन डिपेंड आप पर है कि आप कितना एग्जाम में करके आते हो। जो कॉपी में है सब कुछ वही से आएगा, एक आध क्वेश्चन हम घर के लिए दे देते हैं तो उसको कर लिया करो बस, और ज्यादातर कुछ दे तो हम रहे नहीं आपको घर के लिए या दे रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा दिया है। हम यहाँ से आगे थोड़ा थोड़ा करके देंगे कॉम पर, ठीक है ना, तो नहीं आप लिखोगे इसमें, नोट डाल दो। अनुक्रम का प्रांत क्या होता है, एक बार जल्दी से अनुक्रम की डेफिनेशन को पढ़ दो, जल्दी पढ़ो। कोशिश किया करो जितना हो सके उतना रिवाइज करो इसको रियल को, क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ जो मैटर है ना वो जल्दी याद नहीं होता, और बहुत पहले का पढ़ा हुआ मैटर है ना वो एग्जाम टाइम पे भी याद आ जाता। ये कहें कि हम तो एग्जाम टाइम पे ही पढ़ने बैठे तो एग्जाम टाइम पे इतने जल्दी याद नहीं कर पाओगे जितना अब आप पढ़ लो, और फिर एग्जाम टाइम पे पढ़ो तो जल्दी याद आ जाता है। कॉपी में अपनी ये पता रहता है ये लाइन इस पेज पे लिखी हुई है, लेफ्ट में या राइट में ये तो पता लग जाता है ना कि लेफ्ट पेज पे या राइट पेज पे, इतना तो सबको पता लग जाता है जो पढ़ते हैं उनको, तो उनको ये भी पता होगा 12th क्लास पे 6.1 किधर थी याद हो जाता है, किस तरफ थी, लेफ्ट पेज पे थी या राइट पेज पे थी। देखा होगा पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चों का रिवीजन ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं कि ये थ्योरम तो इस पेज पे इधर वाले पे, कॉपी खोल के ये बता देंगे वो कि जैसे अपनी कॉपी खोलेंगे ना तो भी ये कह देंगे कि मेरी कॉपी में ये थ्योरम इस पेज पे, कितनों को याद हो जाता है ऐसा हो जाता है रिवीजन करते हैं। और जिनको नहीं होता ना समझ जाओ वो कहां है 50% से नीचे वालों में, और जिनको हो जाता है वो अपने आप को ये समझ लो कि लगभग 70-80 के बीच में। घर जाके ऐसा मत करना कि उन्हीं को याद करते रहो पेज किधर वाले पेज, याद करने का मतलब नहीं होता है हमारा, तो ये मतलब है कि पढ़ते हैं तब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। अनुक्रम का प्रांत सदैव, नोट में लिखो, अनुक्रम का प्रांत सदैव प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन होता है, दूसरा लिखो, अनुक्रम का प्रांत, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने स्लो कंडीशन में लेके चल रहा हूं, इस रियल की वजह से बहुत स्लो चल रहे हैं, इसके टाइम की भरपाई हम उधर वाले में करना चाह रहे थे जैसे लिखोगे। अनुक्रम का प्रांत सदैव एन होता है, और दूसरा दूसरा डालो, अनुक्रम में अनंत पद होते हैं किंतु अनुक्रम का परिसर
परिमित भी हो सकता है। Length of sequence may be finite. आपके लिए हमने कुछ लिखा है तो चेक करना, मैं यहाँ कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सब कुछ वही है जो पहले पढ़ाया, पढ़ा दिया ना उच्च निम्न, यहाँ भी वही उच्च निम्न निम्न के और फोर्थ चैप्टर में पहुंचोगे तब भी वही उच्च निम्न है, बस वहां पढ़ते थे किसके लिए, संख्याओं के लिए, यहाँ पढ़ेंगे अनुक्रम के लिए और चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे तो फंक्शन के लिए, फलन के लिए लिखोगे इसमें काट निकालो ऊपर करेगा। देखो एक वास्तविक संख्या कैपिटल के अनुक्रम xn का xn कैसे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, जब भी मैं ये कहूं अनुक्रम xn तो कहां लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, तो आपने क्या लिखा एक वास्तविक संख्या कैपिटल के अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध कहलाता है, परिबंध कहलाता है यदि xn less than equal k for all n belongs to capital N, अगला लिखो निम्न परिबंध इसमें लिखो एक वास्तविक संख्या स्मॉल के एक वास्तविक संख्या स्मॉल के अनुक्रम xn का निम्न परिबंध कहलाता है, यदि स्मॉल के ओवरऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल के कटे आगे लिखो हाँ बोलो भाई, अच्छा इसको बदल दो चेंज हो जाएगा। अगला लिखो परिबद्ध अनुक्रम एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्या स्मॉल के तथा कैपिटल के स्मॉल के तथा कैपिटल के इस प्रकार हो कि पी के बाद ये लिख दो ओवरऑल एन ब्लॉक्स टू एन तक स्मॉल के और कैपिटल के बीच में अनुक्रम के सभी पद होने चाहिए।
आगे लिखोगे अथवा लगा के इसी में एक अनुक्रम एक्स एन परिमित अनुक्रम कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या कैपिटल एम ग्रेटर देन जीरो क्या बोला है संख्या कैपिटल एम ही तो बोला हमने एम कर ले चुपचाप से इस प्रकार है कि ये बात है आज तो उसको एन कर लेता बाद में कहता ही एन कहां से आ गया यहां पे गया चलो लिखो लिख लिया ना आगे लिखोगे आप अनुक्रम का उच्चक इसमें लिखो किसी अनुक्रम एक्सएन के सभी ऊपरी प्रबंधों इसी अनुक्रम एक्सएन के सभी ऊपर प्रबंधों में न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है अगर लिखो निम्न निम्न में लिखो किसी अनुक्रम एक्सएन के सभी निम्न प्रबंधों में उच्चतम मान अनुक्रम एक्सएन का निम्न कहलाता है उच्चतम मान अनुक्रम एक्सएन का निम्न कहलाता है जरूरत है क्या एक किस्त वर्तमान एक किस्त राशमान निरंतर एक किस्त वर्तमान निरंतर एक किस्त राशमान लिखा चुके हैं पहले वहां फंक्शन के लिए थे वहां तो उसके लिए थे सेट के अकॉर्डिंग यहाँ किसके अकॉर्डिंग है अनुक्रम के अकॉर्डिंग है आगे चलोगे तो लिखा दिए क्या ये नहीं अभी नहीं लिखा लिखोगे हेडिंग डालो मैं एक बार समझा दूं आपको लिखने का काम तो चलता रहेगा बाद में
कुछ नाम याद आ रहे होंगे 11 12 से कि नहीं है फंक्शन ऑफ एक्स ये पॉइंट x1 है और ये है x2 इधर चलने पे x1 का मान छोटा ही होगा x2 से वो तो सभी जगह होगा अगर ये x1 है ये x2 है तो सभी जगह यही रहेगा ना ठीक है ना तो ये कंडीशन रहेगी x1 हमेशा x2 से छोटा लेकिन अगर ये एक्स टू यहाँ हो गया यहाँ होता तो कहाँ मिलता ये एक्स ऐसे तो यहाँ मिलता तो ये क्या होता एफ ऑफ एक्स टू यहाँ बन जाता ना ये मिलता कि नहीं अपना कहने का मतलब ये है x1 x2 से छोटा है और f of x1 है वो f of x2 के बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए कौन f of x2 यानी f of x1 f of x2 से छोटा या बराबर यही तो मिलेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग तो इस कंडीशन में कैसा होगा एक निश्चित वर्तमान देखिए x1 पे वैल्यू और ये x2 पे वैल्यू x1 पे देखो तो ये f of x1 हो गया x2 पे देखोगे तो ये f of x2 हो गया क्या बराबर हो गया कभी नहीं बनेंगे ये बराबर तभी बनते जब x1 x2 संपाती होती तो इसमें क्या रहा x1 छोटा x2 से तो f of x1 छोटा f of x2 से इसमें देखो यहां तो वैल्यू क्या रहेगी देखना x2 पे कैसा है ये x1 पे कैसा है यहाँ फंक्शन का मान ये आ गया x2 पे क्या होगा यहाँ से f of x इधर बनेगा कैसा है ये देखो x1 छोटा है x2 से लेकिन f of x2 कैसा है छोटा है या मैं ये कह दूं कि f of x1 कैसा है बड़ा है किससे लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ ले लेते हम यहाँ तो देखना ये बराबर आ जाता तो यानी ये यहाँ बराबर भी हो सकता है लेकिन इसके लिए देखो x1 के लिए फलन का मान हो गया ये f of x1 और इसके लिए देखो यहाँ f of x2 हो गया तो क्या रहा x1 less than x2 imply f of x1 कैसा है बड़ा है ना इससे f of x2 से कभी बराबर होगा क्या देखो अब आगे मैं जो बोलने वाला हूँ एक लिस्ट का मतलब यह है कि आगे या तो बराबर हो सकता है या बढ़ सकता है बस घटेगा और निरंतर का मतलब होता है कि लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा बराबर भी नहीं होगा देखो अरे डाल दो एक लिस्ट अरे डाल दो एक लिस्ट अनुक्रम अब यहाँ मैंने तुमको फंक्शन के अकॉर्डिंग समझाया मुझे अनुक्रम के अकॉर्डिंग सुना एफ एक्स की जगह एक्स एम और एक्स एम से रहेंगे एम और ये एम और यहाँ कितना ये एम पर एक्स एम और एम पर एक्स एम और कितना एक्स एम कर
implies x and less than equal x and यहाँ कितना seven x and और x and m less than n imply x m less than x n इसमें इक्वल भी नहीं आएगा यहाँ m less than n x m और ये x n sorry x m और ये x n नहीं x m और ये x n लाली का बना ले चित्र बनाओगे पहले चित्रों को बनाओ चित्रों को बना दो एक साथ फिर डेफिनेशन लिखा देंगे है ना ठीक है नहीं है तो तुम बाई लिख दो या ओनली कैसे भी लिख दो करो इसको कंप्लीट करो फिर हम दिखाएंगे इसमें कुछ एक जगह और आएंगे फिर क्या हम वहां दिखाएंगे ठीक है वहां परंतु एक और नहीं रहेगा समझाने के लिए जरूरत पड़ती है हमें कि बढ़ता कब है एक दिश अनुक्रम कब है और निरंतर एक दिश अनुक्रम कब है और असमान कब है
हो गया ना। एक क्रिश्चियन अनुक्रम, एक क्रिश्चियन वर्तमान अनुक्रम, चलो एडिंग करिए, एक क्रिश्चियन वर्तमान अनुक्रम, एक अनुक्रम एक्सेंट एक दिश वर्तमान अनुक्रम चलाता है। यदि एक अनुक्रम एक्सेल एक दिश वर्तमान अनुक्रम चलाता है, यदि यदि के बाद ये लिखो, बॉक्स में जो लिखा है तब मैं ये कंडीशन तो चलेगी चलेगी, कौन सी? ओवरऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन वाली। लिख दो सभी को। अगला लिखो निरंतर एक दिश वर्तमान अनुक्रम, निरंतर एक दिश वर्तमान अनुक्रम, इसमें लिखोगे एक अनुक्रम एक्शन, एक अनुक्रम एक्शन निरंतर एक दिश वर्तमान अनुक्रम कहलाता है। यदि बाद ये लिखो दूसरा बॉक्स, अगला लिखो एक देश के राष्ट्रमान, एक देश से राजस्थान में लिखो एक अनुक्रम एक्शन, एक अनुक्रम एक्शन, इसमें एक अनुक्रम एक्शन एक दिश राजस्थान अनुक्रम कहलाता है। एक अनुक्रम एक्शन एक दिश राजस्थान अनुक्रम कहलाता है। यदि दो तीसरा बॉक्स,
अगर आगे तो निरंतर एक देश क्या रखा था पहले राजमान राजमान बनाया ना देखो अगला निरंतर एक देश से राजमान अनुक्रम पहले था एक देश से राजमान अब लिखो निरंतर एक देश से राजमान अनुक्रम और इसमें लिखोगे एक अनुक्रम एक्स एन निरंतर एक देश से राजमान अनुक्रम कहलाता है एक अनुक्रम एक्स एन निरंतर एक देश से राजमान अनुक्रम कहलाता है यदि यदि के बाद बॉक्स खुली है तो मिटाया था ना तब चेंज किया था तब गड़बड़ हो गया था ये बच्चा पास आउट होते गए उसकी बीएड लगभग कंप्लीट है अब वो लगा हुआ है एक्सीडेंट वो क्रैश कर मेरी सर्टिफिकेट की तैयारी पूछ सकते हैं यार अपनी तैयारी पड़ेगा उसकी टेन करे ना मैं कहते कह सकता हूँ कितने करके आ रहा है भाई तुम पेपर में तैयारी करो नहीं तो मैं कह सकता हूँ कुछ भी मैं क्या बताऊंगा तुम पेपर दे रहे हो तुम भी बता तो वही हम इसे कह रहे हैं में लगा हुआ है अच्छा सुनो अब वो ये कह रहा है सर मेरा फल वो जो मैथ का पेपर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है तो अब मैं कितने दिन में पढ़ाई करूँ मैंने कहा छह महीने कर ऐसे तो नहीं है कोई चीज ऐसे ही हो जाती है तैयार बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए करना पड़ता है टाइम लगता है तभी तो तुम्हें पता है कभी कभार बुजुर्ग कहते हैं कुछ बातें कि लड़ा ऐसा मत करना ऐसा करने से पहले ये सोच लेना तो सोचने वाला क्या कहता है कहीं नहीं है ये तो सट है ना लेकिन हमें ये नहीं पता और फंस जाते ना तो फिर सोचते हैं बात मान लेता अच्छा रहता है ये ना हो गया था ना अरे चलो सीमा बिंदु यही है ना खाटे डाल दो अनुक्रम का सीमा बिंदु इसको पढ़ोगे कल